इसमें ज्यादा कमाई नहीं। चलिए जी आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं जिसका नाम है देशो। सो फार अब तक जो हम कवर कर चुके हैं वो दो टॉपिक्स हैं, एक हो गया हमारा कैश फ्लो और दूसरा एनपीओ। अच्छा, एनपीओ में भी हमने सॉर्ट ऑफ ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल किया था जिसमें ASNPO के आपके सारे जो भी मसले थे वो हल हो रहे थे। उसका दूसरा साल उसका सोल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। दूसरा साल करिए आगे तक, गुड पहली हो गया। चलो उसका सोल्यूशन आज मुझे याद दिला देना, मैं भेज देता हूँ उसका। सही है, चलिए ये बात हो गई। अब रेशियोज को रिविजन करने के लिए मैं ऐसे करता हूँ कि मैं आपके सामने एक एक रेशियो रखता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ इस रेशियो का मतलब बताओ। सही जी, और फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि रेशियोज आपके सारे के सारे क्या हो जाए क्लास में रिवाइज हो जाए। चले हम एक एक करके पूछते हैं आपसे। मैंने कहा रेशियोज के अंदर अगर मैं सबसे पहले रेशियो की बात करूं तो मैंने कहा मैं लिखता हूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सही जी, ऑनलाइन वालों आप लोग बता सकते हो, मैं यहां से पूछ लेता हूं लाइव, ये बताओ कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है। वेरी गुड, इसका मतलब यह है कि आपके शेयर होल्डर प्लस जो आपके लैंडर्स हैं उन सब ने जो पैसा लगाया हुआ है इन दोनों पे आप कितना रिटर्न दे रहे हैं, ऐसा ही है। तो हमने कहा कि भाई इन दोनों का रिटर्न हम जब देखेंगे तो वो इस रेशियो में देखेंगे जिसका नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? अच्छा देखो साहब, कह रहे हैं लगाए हुए पैसों पे रिटर्न, पर लगाए हुए पैसों पे सारे लगाए हुए पैसों पे, ये बात याद रखिएगा, क्लैरिटी है। इसमें एक्विटी भी आएगा, डेट भी आएगा, यहाँ पे क्लैरिटी है। ओके, अब हमने कहा इसका फॉर्मूला ये हमने तय किया था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसा ही भाई, ऐसे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब है इसमें से इंटरेस्ट माइनस, यानी आपने वो पैसे भी रखे हैं जो लेंडर्स के, क्योंकि आपने दोनों को रिटर्न देना है। अच्छा, ये बताते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, ये बताते हैं आपको कि भाई आपने अपने हर एक रुपए पे जो इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में आपके कैपिटल प्रोवाइडर्स ने, आपने उनको कितना कमा के दिया। यानी अच्छा, अगर पिछले साल के मुकाबले में ये रिटर्न ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को इफेक्टिवली यूज कर रही है, इफेक्टिवली यूज कर रही है, यानी जो पैसे बचाए हुए उसने, यानी लगाए हुए लोगों ने, उस पर रिटर्न कितना कमा के दिया। रिटर्न कमाना अलग बात है, बांटना अलग बात है, ये भी याद होनी चाहिए आपको बात। और फिर मैंने इलस्ट्रेशन करवाई थी इसके अंदर, आपको ये भी बताया था कि भाई चलो सही, आपने कमा तो लिया और पिछले साल से इस साल आपने कंपेयर भी किया, पर उसमें आप एक चीज का बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि ओवर द पीरियड के ट्रेंड्स क्या हैं। ये हो सकता है कि एक कंपनी का आपको इंक्रीज होता हुआ दिखे, दूसरी कंपनी का आपको डिक्रीज होता हुआ दिखे, तो हो सकता है कि एक कंपनी जो है पिछले सालों से नीचे आ रही हो, एक कंपनी नीचे से ऊपर जा रही हो, तो आपने कंपैरिजन में ज़रा ख्याल रखना है बातों में। अच्छा, ये तो हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा, हमने कहा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर एक्विटी, ये क्या था भाई, शेयर होल्डर का रिटर्न कितना है, ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, जो शेयर होल्डर का रिटर्न है उसको हम कहते हैं कि भाई आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रखेंगे, ऐसा ही है, उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या माइनस कर लेंगे, रिटर्न माइनस कर लेंगे, सब्जेक्ट टू के वो आपको पता है कि इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव हो या वो डिक्लेयर हुआ, व्हाटएवर वो सारे प्रिंसिपल है। नीचे आप क्या रखेंगे, ओनली इक्विटी। तो सर व्हाई ओनली इक्विटी, क्योंकि सर शेयर होल्डर आप देख रहे हैं कि शेयर होल्डर के फंसे हुए पैसे पे आप उनको कितना कमा के दे रहे हैं, कमाना अलग बात है, डिविडेंड देना अलग बात है, तो यहाँ पे हम कमाई की बात करते हैं। सही है, ये रेशियो आपको ये बताता है कि भाई आपके शेयर होल्डर के हर एक रुपए लगाए हुए पे आप उसको कितना कमा के दे रहे हैं। अच्छा, अगर ये हिस्टोरिकली इंक्रीज होता हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उनके कैपिटल लगाए हुए को इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्लैरिटी है। ओके गुड, हमने कहा ये भी बात हो गई था। इसके बाद हम एक फॉर्मूला देखते थे, वो था रिटर्न ऑन एसेट्स, ये याद है। अच्छा, रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब ये है कि भाई आप ये कह रहे हैं कि मैंने
जितने एसेट्स लगाए मैंने, सही जी, उस एसेट्स पे मैं कितना कमा रहा हूं। अच्छा देखो ऊपर मैंने क्या लिखी है, सेल्स, इसको दूसरा नाम है एसेट टर्नओवर रेशियो, कि आपके एसेट्स आपको कितना टर्नओवर जनरेट करके दे रहे हैं, आपके एसेट्स आपको कितना। तो इसको अंग्रेजी में लिखने का तरीका ये होता है कि हाउ मच इफेक्टिवली यू आर यूजिंग योर एसेट्स टू जनरेट रेवेन्यू। लिख भी देते हैं यहां पे, हाउ इफेक्टिवली एंटिटी इज यूजिंग एसेट्स फॉर जनरेटिंग सेल्स। यानी हम कह रहे हैं कि हाउ इफेक्टिवली कंपनी इज यूजिंग एसेट फॉर जनरेटिंग सेल्स। हम ये कर लेते हैं एंटिटी, ये रेशियो ये बताता है कि आपके जितने एसेट्स कंपनी में पड़े हैं तो क्या वो एसेट्स आइडियल होने चाहिए, उससे कमाई होनी चाहिए, कमाई होनी चाहिए। लाइक से मेरे पास आइडियल कैश पड़ा हुआ, तुमसे पूछता हूँ आइडियल कैश पड़ा हुआ, क्या आइडियल कैश को कैश में रह दूँ या कहीं इन्वेस्ट कर दूँ, इन्वेस्ट कर दूँ। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये रेशियो आपको ये बताता है कि आपके जितने एसेट्स कंपनी में खरीद के लगाए हुए हैं क्या वो इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं या नहीं। कुछ एसेट्स फारिग होते हैं तो कंपनी के मालिकान जो होते हैं बोलते हैं कि भाई ना इसको तो लगाओ, तो यहाँ से सामने आ जाता है कि भाई आपके जितने भी एसेट्स हैं क्या वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं या नहीं करके दे रहे। दिस इज कॉल्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। क्लैरिटी है, इसमें भी दो तरीके से करंट एसेट्स भी रख सकते हैं, नॉन करंट, दोनों भी रख सकते हैं, तो सारी बात है। अच्छा अब हमने कहा इसके बाद अगले रेशियो पे चलते हैं, ये तो हो गए टर्नओवर रेशियो। इसके बाद हमने कहा था और हमने सीखा था सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आ गए थे, कौन से रेशियोज में भाई, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्लीज मुझे बताना आप लोग, सबसे पहले मैं यहां पर लिखा हूं जीपी रेशियो, जीपी रेशियो, जीपी रेशियो आपको ये बताता है कि आपने हर एक रुपए की सेल पे कितना कमाते हैं, आपने हर एक सेल के ऊपर कितना कमाते हैं। लेट्स से मैंने कहा जीपी रेशियो आ रहा है मेरा 40%, इसका क्या मतलब है 60 रुपीज की कॉस्ट होती है 40% कमाता हूं। फिर मैंने आपको अपने लेक्चर में ये भी बताया था कि आप यूनिट्स जितने भी बेचें, यूनिट्स आप मिलियन पे बेच दें, अगले साल बिलियन पे बेच दें, आपका मार्जिन चेंज नहीं होगा, पर यूनिट वो क्या होता है सेम होता है। यानी मैं कह रहा हूँ एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं 1000 रुपये की चीज़ बेच रहा हूँ और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 10,000 यूनिट्स बेच रहा हूँ, तो 1000 की चीज़ अगर 10,000 यूनिट्स बेच रहा हूँ और मेरी उस 1000 रुपये को बेचने के लिए जो कॉस्ट आती है वो आती है कुल मिला के 600 रुपये, तो मैं कितने कमाऊँगा 40%। कमाई मेरी 40% है, कमाई मेरी कितनी है, हाँ अलबत्ता ये हो सकता है कि मेरा जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, पर जो कमाई है वो 40% करेगी, ऐसा ही है। सिर्फ फर्क इतना होगा तो मेरा कैश फ्लो बढ़ जाएगा, फर्क क्या होगा कैश फ्लो इनहांस हो जाएगा, दैट्स इट। तो परसेंटेज वाइज मार्जिन चेंज, आई कैन नॉट से कि मेरी कमाई ज्यादा हो गई, तो भाई कमाई परसेंटेज वाइज ज्यादा नहीं होगी। अगर कमाई परसेंटेज वाइज चेंज होगी तो वो दो वजह से होगी, या तो आप सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेंगे या तो कॉस्ट डिक्रीज करेंगे। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि ये इफेक्ट होगा, ये इफेक्ट होगा कैसे, पहला या तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाए चेंज हो जाए, दूसरा कॉस्ट चेंज हो जाए। तो ये सब आप क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप सवाल में देखें कि वो पिछले साल के मुकाबले में इस साल जीपी आपका कम हो गया है, पिछले साल के मुकाबले में जीपी इस साल, और वो आपको बोलेंगे भाई लिखो पॉसिबल रीजंस के व्हाई दिस कुड हैव बीन अकर्ड, तो आपको पता है जवाब क्या होना चाहिए कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर डिक्रीज हुआ है द कंपनी माइट हैव डिक्रीज इट्स सेलिंग प्राइस, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सप्लायर्स माइट हैव इंक्रीज इट्स कॉस्ट, ऐसा है। और अगर मैं इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में डालूं, क्योंकि डिस्कशन का आज का मकसद ये है कि आप लोग सवालात जो है ना वो अटेम्प्ट कर पाए पास पेपर के, आपने एक दो पास पेपर ऐसे भी देखे होंगे, आई बिलीव देखे होंगे, जिसके अंदर उसने नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है और इन्फॉर्मेशन में बताता है कि इस साल ये हुआ है, ऐसा ही है ना। अब एग्जांपल देता हूँ, इस पे नहीं समझ आया तो हाथ के हाथ पूछना है। एग्जांपल ये चल रही है हमारी, मैंने आपको ये कहा कि भाई ये कंपनी है,
सही जी, उसका जीपी रेशियो जो है गिर गया। नीचे लिखा हुआ है कि कंपनी जो है बाहर से माल इंपोर्ट करती है, बाहर से माल इंपोर्ट करती है और डॉलर महंगा हो गया तो क्या कॉस्ट बढ़ गई होगी। तो आपको अपनी अंग्रेजी में लिखना होगा कि जीपी रेशियो हैज बीन डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, दिस कुड बी ड्यू टू द फैक्ट दैट इंपोर्ट कॉस्ट हैज बीन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन डॉलर्स। तो वो सवाल से उठा के लिंक करना है, यानी आपने अपना दिमाग तो तब चलाना होगा जब वो बोले कि भाई ये रेशियो चेंज हुए, बताओ क्या क्या रीजन हो सकता है, तो तुम्हें रीजन याद होना चाहिए। अगर सवाल में नीचे कोई इंफॉर्मेशन दी गई तो उसको लिंक करना है कि किस पे क्या क्या मसला आ रहा है, पहले तो बात समझ आती है। तो नीचे जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, यू हैव टू लिंक दैट इन्फॉर्मेशन विद द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लैरिटी है, पक्की बात है, ऑनलाइन वाला जल्दी बता दो। चले अब उलट करते हैं इसका, इसमें एक और बात बताते हैं, जीपी रेशियो डिक्रीज हुआ है, सही है। हम कह रहे हैं कि भाई जीपी रेशियो अगर डिक्रीज हुआ है आपका, तो एक तो मैंने आपको इम्पोर्ट वाली बात बता दी, दूसरा आपको लिख के देगा कि देयर इज अ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। आप तो ऑडिट कर रहे हो, आपको तो उसमें पता होगा कॉम्पिटिशन है मार्केट में, तो मार्केट में कॉम्पिटिशन की वजह से क्या आपके पास प्रेशर होगा प्राइस रिड्यूस करने का। तो आप ये बोलेंगे ना कि जीपी हैज बीन डिक्रीज, दिस माइट बी ड्यू टू द फैक्ट, तो आप वहीं से सवाल से उठाएंगे और कनेक्ट करेंगे, बोलेंगे दिस माइट बी ड्यू टू द फैक्ट दैट कॉम्पिटिशन हैज अराइव्ड एंड द कंपनी मे हैव रिड्यूस्ड इट्स सेलिंग प्राइसेस, कंपनी मे हैव रिड्यूस्ड इट्स सेलिंग प्राइसेस। तो भाई सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुई होगी तो ही हुआ होगा ना। अच्छा वो बोले क्वांटिटी कम बिकी है, उससे जीपी पे कोई इफेक्ट नहीं आता, प्राइसिंग पे वजह से आता है, दैट्स इट। पहले तो बात क्लियर है, तो हम दो बातें लिख लेते हैं कि सेलिंग प्राइस चेंज हो, कॉस्ट चेंज हो जाएगा, सेलिंग प्राइस चेंज होगा तो हम कहते हैं क्या वो ड्यू टू कॉम्पिटिशन हो सकता है। हम बस उसके लिए तैयार हो जाते हैं कि जो हमें बातें लिखनी है ताकि मार्क्स आ जाए हमारे, क्योंकि आप कहते हैं ना कि बच्चों को देखता हूँ कैसे कॉमेंट्री भेज दें, याद कर लें, भाई क्यों याद कर लें, मतलब कॉमेंट्री याद करनी है वो चीज़ है, समझने की चीज़ है, समझ के लिख लो हर चीज़ क्या सेम होगी सवाल में, नहीं जो सवाल आएगा जैसा सिनेरियो आएगा वैसे लिखना है, उसका दिमाग चलना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा भाई कॉस्ट चेंज क्या हो सकता है बताएं, सप्लायर प्राइसेस क्या करे इंक्रीज कर दे, और क्या हो सकता है इंपोर्ट ड्यूटीज क्या हो जाए। अब एक बच्चा लिटरली बता दूं, एक बच्चा है कि सर मैंने ये याद कर ली है, बात तो ये मेरी बात है दोस्त इस क्लास से पहले, सर मैंने याद कर ली है तो क्या डू आई हैव टू डू एनीथिंग। मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा अगर एक सवाल आता है कि आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, जीपी रेशियो कम हो गया, क्या क्या लिखोगे, तो आप लोग दिस में भी ड्यू टू जो है इम्पोर्ट ड्यूटीज इंक्रीज हो गई। मैंने कहा अगर वो कंपनी इम्पोर्ट करती नहीं है तो तुमने लिखा तो एग्जाम में तो हड़िया ही उसकी, वो बोलेगा भाई ये तो याद कर क्या है। कहने का मतलब ये है हालात वाकया देखो, पॉसिबिलिटीज देखो। मैंने कहा अगर सवाल साइलेंट है ना तो तुम लिखो इफ द कंपनी इज इन्वॉल्व इन इम्पोर्ट्स तो दिस कुड बी ड्यू टू द फैक्ट दैट इम्पोर्ट ड्यूटीज हैव बीन इंक्रीज। पर मैं कह रहा हूँ कि ये क्यों लिखना, जब सवाल साइलेंट है तो आप देखिए दिस माइट बी ड्यू टू द फैक्ट दैट द कॉस्ट हैव बीन इंक्रीज, इट माइट बी ड्यू टू द फैक्ट दैट सप्लायर माइट हैव इंक्रीज इट्स प्राइसेस, दैट्स इट। बात समझ आती है। एक और भी वजह कि इंक्रीज हो सकती है, सेल्स टैक्स बढ़ गया तो आपके गुड्स क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, और वो सेल्स टैक्स इंक्रीज ये तो मैं हाई लेवल बातें बता रहा हूँ, सेल्स टैक्स अगर इंक्रीज हो जाए और उसका बर्डन ट्रांसफर ना कर पाए तो फिर आप ऐसी बातें कहेंगे कि आपकी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, महंगी हो चुकी हैं। पहले आपके एक गुड्स की परचेज पे 10% का सेल्स टैक्स था, अब 17% हो गया, आपका गुड महंगे हो गए, यस आपका वो रिकवरेबल नहीं, आप पास ऑन भी नहीं कर सकते, आगे मुझे पास ऑन नहीं कर सकते, तो सेल्स अपनी जगह है, कॉस्ट आपकी हो चुकी है कम और कॉस्ट आप चुकी है ज्यादा, तो आपका जीपी क्या हो जाएगा कम, लॉजिकल बात है। वेटेड एवरेज से फीफो पे जाने से इफेक्ट होगा, पर उसके लिए यू नीड टू बी वेरी क्लियर क्या उसका इफेक्ट आया है या नहीं आया, सही है। तो अब्दुल हादी ये भी देखना होता ना कि वेटेड एवरेज से फीफो पे जाना तो इन्वेंट्री की क्वांटिटी क्या मौजूद थी, कि चेंजेस हैं, बट अगेन दिस इज वेरी सब्जेक्टिव जो तुम बात कर रहे हो। चले आगे, ये तो हो गया डिक्रीज का रीजन, अब बात करते हैं कि आप मुझे बताएं कि जीपी क्या हो गया हो, इंक्रीज हो गया हो, तो एक एक करके बात करते हैं। अच्छा अगर जीपी इंक्रीज हुआ हो तो ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए कि ये रीजंस किसके हैं, ये डिक्रीज के रीजन है, हाँ भाई, और ये भी किसका रीजन है जल्दी बताओ, डिक्रीज का रीजन है, ये हमने लिख दिया।
अच्छा भाई इसके बाद अब मुझे बताओ कि अगर मेरा जीपी रेशियो ऑल टुगेदर इंक्रीज हुआ तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं? पहले कॉस्ट को बदल देते हैं सीधा, कॉस्ट डिक्रीज हो गई पहले से ये लिखोगे ना एग्जाम में कि कॉस्ट डिक्रीज हो गई तो दैट विल नॉट बी सफिशिएंट। आपने वजह बता दी कि कॉस्ट डिक्रीज हुई जिसकी वजह ये हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन डिपेंडिंग अपॉन दी। अच्छा अब एक एक करके सुनिएगा, तो फिर आपने बताना होगा ना कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कॉस्ट हैव बीन डिक्रीज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, दिस कैन बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, तो रीजन बताना क्योंकि वो तो समझेगा वरना बच्चा रटा लगा गया है। तो वो इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है दैट एग्जामिनर वांट्स टू इंटरप्रेट योर एनालिटिकल स्किल्स, सही है। अच्छा आगे क्या हम ये कह सकते हैं कि बल्क परचेज डिस्काउंट हो सकता है? ऐसा ही है। अच्छा बल्क परचेज डिस्काउंट हो सकता है, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट हो सकते हैं, ऐसा है। और हम कह सकते हैं जेनरिक डिक्रीज इन प्राइसेस हो सकते हैं, सिंपल बात है। अच्छा और अगर आप ये बताएं कि सेलिंग प्राइस आप चेंज कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस आपको बढ़ानी चाहिए, ऐसा ही है। तो सेलिंग प्राइस आप क्यों बढ़ाएंगे? या तो भाई आपकी मोनोपोली होगी या मार्केट में हर कोई क्या कर रहा होगा, सेलिंग प्राइस बढ़ा रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेलीकॉम कंपनीज के ऑडिट करता हूँ ना, ये टेलीनॉर हो गया वो भी मेरे पास है, यूफोन भी मेरे पास है, पीटीसीएल भी मेरे पास है। सुनना होता क्या है, अभी आपने देखा होगा कोई बच्चा अगर सुपर कार्ड चलाता हो उसकी प्राइस आसमानों पर चली गई। मैं जो 1100 का सुपर कार्ड चलाता था आज वो 1800 का है, इसको हम कहते हैं प्राइस हाई। क्या कहते हैं? अच्छा इससे हुआ क्या, इन लोगों का जिन कंपनीज का मैं ऑडिट करता हूँ जैसे यूफोन हो, इनके मार्जिन इम्प्रूव हो गए। तो क्या जेन्युइन इम्प्रूव है? यस जेन्युइन। कैसे इम्प्रूव हुए? इनके प्राइसेस क्या हो गए? अच्छा मैं कहता हूँ वही प्राइसेस हैं, वही कॉस्ट है, सुपर कार्ड ज़्यादा सब्सक्राइब हुए, क्या जीपी चेंज होता? क्यों? क्वांटिटी चेंज हो रही है, क्वांटिटी हैज नथिंग टू डू विद योर जीपी मार्जिन। जीपी मार्जिन विल बी इफेक्टेड व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस और कॉस्ट, दैट्स इट। ये होना चाहिए, बात क्लियर है? तो ये आपको एक एग्जांपल दी ताकि समझा पाऊं कि ये मार्केट में भी ऐसे होता है। पर अगेन ये मार्केट में पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि हर टेलीकॉम कंपनी अपने प्राइसेस क्या कर रही है, क्योंकि उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो उससे कवर नहीं हो रही, तो उसके लिए उनको करना पड़ा। तो अगेन इट मेक्स सेंस कि ऐसा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर सवाल में ऐसी सिचुएशन होगी ना तो आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ऊपर लिंक करना है, बात क्लियर है? चलिए जी ये तो हो गया जीपी मार्जिन वाला मसला, इसमें कोई सवाल? क्लियर है जी? पर नहीं इम्पोर्ट चार्जेस का मुझे तो वो कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा ना, तो वो उससे लिंक नहीं बनता। आप ये कहें कि इम्पोर्ट चार्जेस कम हो गए तो मैंने ओवरऑल प्राइसेस गिरा दी, तो वो तो अलग बात हो गई, हम बात किसकी कर रहे हैं? इंक्रीज की, सही है। अच्छा भाई अगेन जीपी चेंज होगा कॉस्ट पे इफेक्ट पे, सेलिंग प्राइस पे, इंक्रीज पे, और दोनों की इंक्रीज या डिक्रीज की कोई ना कोई वजह होगी, और वो वजह हमने यहाँ पे लिख दी है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, हमने कहा ये तो हो गया जीपी रेशियो, इसके बाद हम कहते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, इसका क्या मतलब है भाई? ये नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब ये है, जेनरिक वाली बात की है जब तुम, जेनरिक वाली बात का मतलब ये है कि जनरली पूरी इंडस्ट्री में प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो आप भी क्या कर रहे हैं? प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसा ही है। या जेनरिकली सामने वाला सप्लायर हर किसी को प्राइसेस कम करके दे रहा है क्योंकि उसको माल सस्ता पड़ रहा है, तो मार्केट कैप्चर करने के लिए आपको क्या कर रहा है? प्राइसेस कम दे रहा है, तो ऐसी बात है जेनरिक डिस्काउंट है, तो उसके लिए कोई बल्क परचेस की भी नीड नहीं है, अर्ली सेटलमेंट की भी नीड नहीं है, क्लैरिटी है आगे। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, नेट प्रॉफिट रेशियो पे आ गया, जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं ताकि हम रेशियो को कवर करके हम सवाल पर आ जाएं अपने। जब मैं नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरा बचा कुचा प्रॉफिट सेल से डिवाइड होता है, इसका फॉर्मूला ये है ना, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। अच्छा ये बात समझो कि नेट प्रॉफिट में से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हुए हैं? लेस हुए, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस हुए हैं। चले अब मैं आपको ये बताता हूँ, मुझे बताना, हमने कहा अगर मैं 2024 में बैठा हूँ तो मेरा जीपी रेशियो था 40% का,
नेट प्रॉफिट रेशियो है 15% का। क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी अपनी सेल्स में से कितने फीसद खर्चे करती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने करती है? 14 से 15 माइनस का कितना आता है? 25% के अखराजात को करती है कंपेयर टू सेल्स, यानी जितनी भी वो सेल्स जनरेट करे उसका 25% वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देती है। चलो अभी तो आ जाओ, अब एनालिसिस को थोड़ा चेंज करते हैं। मैंने कहा अज्यूम करेंगे ये सेम था, कंपैरिजन तो सीखना है ना, अज्यूम करेंगे ये सेम था, सही है। फिर हमने कहा कि ये यहाँ पे जो आ रहा था वो आ रहा था कुल मिला के 25%। तो हम कह रहे हैं कि ये बात हो गई कंपनी ए की, ये बात हो गई कंपनी ए की, डेटा बनाता तो समझ आता रहेगा। सुनो ये बात हो गई कंपनी ए की, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी ए पिछले साल भी और इस साल भी मार्जिन सेम रख रही है? तो दिस इंडिकेट देयर इज नो चेंज इन प्राइसेस, दिस इंडिकेट देयर इज नो चेंज इन। अब यही जो उर्दू में बोलते हैं उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, हाउएवर इट सीम्स दैट कंपनी is not effectively managing its expenses। ये कैसे पता लगा? देखे ना बात सुनिए ना, पहले मार्जिन कितना था, इंप्रूव नहीं हुआ बेटा, डिक्लाइन हुआ। तो क्या हम कह सकते हैं कि पिछले साल तक मेरे पास नंबर्स नहीं है, बाहर में जाने दूंगा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ परसेंटेज वाइज देखना है, मुझे परसेंटेज निकाल के आपको मजी, आपको पता बाज होगा ऐसा लगेगा पिछले साल के मुकाबले में आपको एक्सपेंसेस साल इंक्रीज होते हुए देखेंगे नंबर में, तो परसेंटेज में वो क्या हो जाएंगे? बात समझ आ रही है? यानी प्रॉफिटेबिलिटी नंबर में तो हो सकती है ना, तो यू नीड टू लुक एट बाय वे ऑफ परसेंटेज, ये सेल्स का कितना परसेंटेज है, असल कमाई कितनी है। ऐसे तो इस साल भी प्रॉफिटेबल हो गए, पिछले साल भी प्रॉफिटेबल हो गए, पर इस साल सेल्स के कंपेरिजन में कमाई कितनी है? 15%। पिछले साल कितनी थी? 25%। तो इसका मेन रीजन क्या दिख रहा है? एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गई, क्या कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो गई या ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर? अब कहानी से कहानी मिलाते हैं, यानी अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लोगों को, मतलब सेशन इतने का मकसद ये कि दिमाग खोल दूँ। एक तो ये था ना, मैं आके जो मैं एक मुश्किल सवाल कर रहा था, मैं बोलता आओ करके दिखाओ, जैसे मैंने पिछली बार तुम लोगों के साथ किया, क्योंकि वो टॉपिक्स ऐसे थे जिसमें मैं बहुत टाइम लगा चुका हूँ। एनपीओ की अनगिनत क्लासेस हैं मेरी, कैश फ्लो तो तुम 19 क्लासों पर चले गए, वो पप्पू हुए हुए ओके हुए हुए, उस पर डेसिक बनती थी। रेशो के ऊपर मसला ये है कि बच्चे की थिंकिंग कैपेबिलिटी वो वाली नहीं होती है, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ कि एक बार रिफ्रेशिंग हो जाएगा वो, कि भाई ये पास पेपर करोगे तो समझ आएगा। आगे सुनते हैं, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कारनामा हुआ है यहाँ पे, इससे ये बात समझ आ रही है, इससे ये बात समझ आ रही है कि कंपनी इज नॉट इफेक्टिवली मैनेजिंग इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यानी हम देख रहे हैं भाई कंपनी is not effectively managing its operating expenses। ये तो वो बच्चा लिखेगा जो बिल्कुल फारिग होगा, क्योंकि ये तो बेसिक बात है ना। अब कहानी से कहानी मिलाता है, नीचे तो मैं इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, जनरल इन्फ्लेशन 10% है, तो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई होगी, लोगों की सैलरीज बढ़ गई होंगी, जब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई, सैलरीज बढ़ गई, तो क्या उसका इम्पैक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आ सकता है? तो आप इसके आगे लिखिएगा ना कि दिस में भी नीचे से कहानी ऊपर चिपका देना, पहले तुमने एनालाइज किया कि हुआ क्या, मसला क्या है, पर वो मसला किस वजह से है, वो मसला क्या हो सकता है जल्दी बताओ। पहले क्या बताया आपने, कहा इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि आप अभी करंट सिचुएशन देख लो पाकिस्तान की, क्या इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस में हाइक आया है? तो आप किसी भी कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उठा के देखोगे ऐसा परसेंटेज वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। पहले तो बात समझ आती है, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, कि ये तो आप रीजन बताएंगे कि ये मसले हो रहे हैं। अच्छा एक और चीज तुम बताओ तो मजा आ जाएगा, बैड डेट्स हो सकता है, नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई आपको कि देयर आर सम कस्टमर्स फ्रॉम होम द अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल,
तो आप लिख करेंगे कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइट हैव बीन इंक्रीज्ड बिकॉज़ ऑफ द बैड डेट्स. तो आपने यार कुछ भी नहीं करना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आपने सिर्फ अकाउंटेंट के दिमाग को हटा के, अकाउंटेंट का दिमाग सिर्फ रेशियो की कैलकुलेशन पे चलना चाहिए, उसके बाद बिजनेस माइंड आ जाना चाहिए. तो दोनों का जो मैच होता है ना वो इंटरप्रिटेशन. क्योंकि मैं तुझे ऑडिट करता हूँ तो मैं तो पहले रिस्क असेसमेंट करता हूँ. वो तो आपको पता है कि भाई हम कैसे कैसे पहुंचते हैं रिस्क तक, मसले तो क्योंकि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो तो हम पहुंच जाते हैं ना. पर ऐसे हर लेवल पे आपको इतना डिटेल में पता होना चाहिए कि ये चीज हुआ हो तो इसकी वजह क्या होगी. और अगर सवाल में सफिशियंट इन्फॉर्मेशन है तो उसको लिंक करो, दैट्स इट. तुम्हें नंबर पूरे मिल जाएंगे. और वो चाह भी ये रहे कि बच्चे को मैं ये बता पाऊँ, ये देख पाऊँ कि क्या वो एनालाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा. दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरप्रिटेशन. एक तो सवाल ये होता है ना कि रेशियो निकाल के दे दो भाई, वो तो कोई भी कर लेगा धक्का लगा के. पर क्या यहाँ पे कहानी रेशियो तक की है, उसकी इंटरप्रिटेशन की है. और फिर एक सवाल आपने देखा होगा, ऐसा आया था पास पेपर में कि जिसमें उसने बोला कि ये रेशियो निकले हुए या ये हो जाए तो बताओ रेशियो पे क्या इम्पैक्ट आएगा. तो उसके लिए आपको हाइपोथेटिकल फिगर्स बनानी होती है कि प्लस माइनस करूँ तो रेशियो में चेंज क्या है. क्लैरिटी है, पहले बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्लियर है, पक्की बात है. अच्छा, नेट प्रॉफिट का मतलब ये भी है कि ये आफ्टर टैक्स है. नीचे लिख के दे के टैक्स ऊपर चला गया तो उसकी वजह से भी हो सकता है ना. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ना कि आपका टैक्स रेट क्या हो गया, बढ़ गया. तो आप सिर्फ दिमाग में एक पिक्चर बनाएं कि ग्रॉस प्रॉफिट से लेके नीचे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इंक्रीज किस किस वजह से हो सकते हैं, कौन कौन से नेचर के होते हैं. अगर वो आपका दिमाग पिक कर लेता है तो आप आराम से लिख सकते हैं. यहाँ पे क्लैरिटी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो समझ आते हैं. चलिए जी, फिर एक अलग रंगो नस्ल का आपका रेशियो था जिसका नाम है इंटरेस्ट कवर रेशियो. ऐसा है भाई? अच्छा, इंटरेस्ट कवर रेशियो आपको ये बताता है कि आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी जो आपने इस साल कमाई की है उसमें से कितना फीसद या कितने टाइम्स आप अपने इंटरेस्ट को कवर कर सकते हैं. तो हमने कहा सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को आप ऊपर रखें और इंटरेस्ट एक्सपेंस को नीचे रखें तो ये बताएगा कि आपका प्रॉफिट कितने टाइम इसको कवर कर सकता है. दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवर रेशियो. तो हमने कहा भाई ये आ गया इंटरेस्ट कवर रेशियो. अच्छा, ये किसमें आता है भाई? टाइम्स में. अच्छा, ये जितना ज्यादा उतना अच्छा, जितना ज्यादा उतना अच्छा, सीधी सी बात है. अच्छा, ये यूजुअली ये वाला रेशियो बैंक मांगता है. जब बैंक आपको लोन देता है ना तो वो कहता है भाईजान इतना मेंटेन करना है क्योंकि आपके प्रॉफिट में 2-3 गुना तो होना चाहिए कि आप मुझे मेरा इंटरेस्ट चुका सको. कोई भी अनफोर्सीन वाकयात होते हैं उसके लिए प्रिपेयर. आप 3 गुना प्रॉफिट रखो मेरे इंटरेस्ट के कंपेरिजन में, 2 गुना रखो, 2.5 गुना रखो, बढ़ो ताकि मेरे पैसे निकल आए. क्लैरिटी है? चलिए जी, ये तो हो गई इंटरेस्ट कवर की बात. अब हमने कहा 7 डेट टू इक्विटी रेशियो. इसको हम गेयरिंग रेशियो भी कहते हैं, ऐसा ही है ना. अच्छा, गेयरिंग का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी कितनी डेट के अंदर डूबी हुई है. अच्छा, एक और बात बता दूं, जो हाईली गियर्ड कंपनी होती है ना, हाईली डेट वाली, उसमें रिस्क बहुत होता है, रिस्क बहुत होता है. उसके लिए तो ये, अच्छा मैं सवाल बनाऊँ, वही ऑडिट में बहुत करते हैं ये उस सब्जेक्ट में. जब ज़्यादा लोन होता है ना कंपनी के ऊपर तो उसके पास डेट कोवेनेंट्स को मीट करने का ये जो शरायत होती है कंपनी की कि करंट रेशियो इतना रखना, उसकी कंडीशंस क्या हो जाती हैं, ज़्यादा होती होती है, उसके पास एडिशनल फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं होती है. क्यों? क्योंकि कोई और बैंक देखेगा बोलेगा इतना लोन तो वैसे ही लेके बैठे हो भाई, तुम्हें और लोन देंगे तो चुकाओगे कहाँ से, क्योंकि तुम्हारे तो सारे एसेट्स ऑलरेडी गिर गए हैं. तो बात समझ आ रही है. तो डेट टू इक्विटी रेशियो आपका होना चाहिए तो 50-50% या 40-60%. अगर आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 80-20 है तो ये अलार्मिंग बात है, यानी 80% आपकी इक्विटी में क्या छुपा हुआ है, डेट. तो दिस इज अलार्मिंग थिंग. तो आप इसको मेंटेन करना होता है क्योंकि अगर आपको मल्टीपल फाइनेंसिंग चाहिए, मल्टी फाइनेंसिंग चाहिए, तो आपकी कंपनी अनगेयर्ड होनी चाहिए, जिसमें गेयरिंग नहीं होनी चाहिए. तो बात समझ आती है, ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया. इसके बाद हमने देखा है लिक्विडिटी रेशियोज. क्या कहते हो?
हाँ जी अच्छा फॉर्मूला लिख दूँ, ये तो सिंपल हो गया ना, डेट टू इक्विटी सही है, और यू भी कर सकते हैं इक्विटी लॉन्ग टर्म डेट नॉट शॉर्ट टर्म, कौन सा होता है लॉन्ग टर्म डेट, तो फॉर्मूला हो गया यहाँ पे सही है। आगे इसके बाद मैंने कहा लिक्विडिटी रेशियोज, प्लीज सुनना इस बात को, लिक्विडिटी रेशियो आपको ये बताते हैं कि आपकी कंपनी में कितनी इस्तेमाल है कि आप अगले साल की पेमेंट्स कर पाए, पैसा कितना है आपके पास कि अगले साल की ऑब्लिगेशंस सेटल कर पाए। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है करंट रेशियो। अच्छा भाई करंट रेशियो का मतलब ये है कि करंटली आपके करंट एसेट्स कितनी कैपेसिटी रखते हैं किसको सेटल करने के लिए, करंट लायबिलिटीज को। अच्छा अगर ये रेशियो 1+ है तो इसका मतलब ये है कि आपके करंट एसेट्स इतने सफिशिएंट हैं कि अगले साल की करंट लायबिलिटीज को चुका पाए। आइडियली ये कितना होता है सर? नहीं पता, 2 होता है, एटलीस्ट 2 times रखो ना कि आपकी लायबिलिटी आ जाए आपके पास, तो आपने एक बार सेटल कर लिया फिर भी आपके पास पैसा बाहर होना चाहिए। तो आइडियल कितना हो गया 2, 1.5 से लेके 2 आइडियल होता है जी। आइडियल वो भी 2-3 times होता है, लिख देते हैं यहाँ पे 2-3 times सही है। चलिए जी आगे, हमने कहा ये तो हो गया करंट रेशियो आपका। अच्छा आप एक एक करके तुम मुझे बताना ताकि हम इस बात को समझ पाए। मैंने कहा एक एंटिटी है जिसमें 2022, 2023, 2024 है, हमने कहा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन से रेशियो की, करंट रेशियो की सही है। करंट रेशियो के अंदर हमने कहा कि यहाँ पे ये था हमारा 2.5, 2.75। क्या कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है? होल्ड ऑन, एक चीज सिखाता हूं उसके बाद देखते हैं। अभी अच्छी लग रही है अभी, तो आप देखेंगे इट सीम्स दैट करंट रेशियो इज इंक्रीजिंग, द कंपनी लिक्विडिटी पोजीशन इज स्ट्रॉन्ग। ये तो अभी हमने एक सीन ऐसा किया जिसमें हम कह रहे हैं भाईजान कि सही है, ये इंक्रीज होता है। इसके बाद एक रेशियो आता है जिसको हम कहते हैं लिक्विड या क्विक रेशियो। अच्छा क्विक रेशियो की नीड इसलिए आई थी क्योंकि कहा गया कि भाईजान ऊपर जो करंट एसेट्स हैं, ऊपर जो करंट एसेट्स हैं उसमें एक एसेट हो सकता है जिसका नाम है इन्वेंट्री, जिसका नाम है इन्वेंट्री। अच्छा मुझे एक बात बताया, फोकस हो गया, जब इन्वेंट्री उसके अंदर है तो हो सकता है कि इन्वेंट्री अब जमा किए जा रहे हैं वो बिक नहीं रही है, स्लो मूविंग है, बात समझ आ रही है, इन्वेंट्री अब जमा किए जा रहे हैं वो सेल नहीं हो रही। तो वो कह रहा है भाई जान ये काम ये करो कि आप सिंपल जो आपके करंट एसेट्स है ना टोटल, उसमें से क्या माइनस कर दो। एक और चीज माइनस होती है प्रीपेड, उसमें से एक और चीज माइनस करते हैं प्रीपेड, क्योंकि प्रीपेड भी आपका कैश एसेट नहीं है, वो तो एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा, ऐसा है, वो किसमें कन्वर्ट होगा एक्सपेंस में। तो आपने कहा आपने यहां से बच्चों इन्वेंट्री निकाल ली और आपने प्रीपेड निकाल दिया और इसको डिवाइड कर दिया करंट लायबिलिटीज से, तो आपने कहा अब वो एसेट्स आ गए मेरे पास जो कैश जनरेटिंग है, वो एसेट्स आ गए मेरे पास जो आपके कैश जनरेटिंग। अब मैं ये पूरा रिवाइज करा के क्लोज हो जाएगा अभी यहां पे, इसलिए कह रहा हूं फोकस होकर देखने, क्योंकि आगे अगर टाइम चल रहा है। सुनो मैंने कहा अब हम आ गए क्विक रेशियो पे, सही है जी। अब जब मैंने देखा क्विक रेशियो तो गेन समझिएगा, हमने कहा कि भाई क्विक रेशियो पहले आ था हमारा 1.8, फिर हो गया ये 1.5 और ये हो गया 0.85। क्या कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है? इसका मतलब यह है कि जो ऊपर रेशियो जो है वो इंप्रूव हो रहा है, उसमें इन्वेंट्री फंसी हुई है, उसमें इन्वेंट्री पाइल अप होती जा रही है,
और इन्वेंट्री जो है वो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रखते हैं जो कि अभी दिख नहीं रहा। तो जैसे ही इन्वेंट्री राइट ऑफ होगी लॉस बुक होगा, करंट एसेट्स नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आ जाएंगे तो फिर वही करंट रेशियो का मसला हो जाएगा। तो वो हमें पकड़ में कैसे आता है क्विक रेशियो से, पहले तो बात समझ आ रही है। इसका एक और लिंकेज करके बताऊंगा यहाँ पे। अच्छा मैंने प्रैक्टिस सेशन भी दिया था जिसके अंदर कैश फ्लो प्लस रेशियो था, वो किया 17 हो चुके हैं क्वेश्चन है पूरे ड्राइव पर लाइन से पढ़े। नहीं नहीं आप ये अभी सॉले भी बुलाया था ना, उससे पूछ लेना अभी, सही है ना। तो अभी आया मैं उससे पूछ लो, वो सारे बुलाए हुए मैंने, वो प्रैक्टिस सेशन कर लिए मैं बैठ करता हूँ, आप नहीं फेल हो सकते, वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव है। हाँ तो वो सारे ना वो देखना है एक बार, 15 के बाद नहीं अभी करो तो ज़्यादा थोड़ा सा अगर उसको धचका भी लगे। पर रिविजन का मतलब मैं आपको सिखाता भी हूँ, रिविजन का मतलब मेरी जबान में ये होता है कि यू डोंट हैव टू गो थ्रू द जर्नल, आप सिंपल एक काम करें कि आप प्रैक्टिस करते हैं खुद ही रिवाइज ले आए, पर वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ सही है, तो वो लाजमी करो। अच्छा भाई क्विक रेशियो के डिक्रीज का क्या इफेक्ट है, अगेन रिपीट कर, देखो क्विक रेशियो जब डिक्रीज हो रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि लाइबिलिटीज तो अपनी जगह है, पर जब मैं इन्वेंट्री माइनस कर रहा हूँ ना तो मेरे करंट रेशियो क्या होता जा रहा है। अच्छा मुझे बात बताओ ना, मेरे करंट रेशियो निकालते वक्त करंट एसेट्स थे, उसमें इन्वेंट्री भी थी, तो आप अगर दिमाग लगाएं, प्लीज सुनिएगा, आप अगर दिमाग लगाएं तो आपके करंट एसेट्स जितने इंक्रीज होंगे उतना ये रेशियो अच्छा होगा, जितने करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे उतना ये रेशियो अच्छा होगा। तो करंट रेशियो में तो ये दिख रहा है कि करंट एसेट्स अच्छे हो रहे हैं, पर जब मैं उसमें से इन्वेंट्री निकाल रहा हूँ तो करंट एसेट्स में से जैसे ही इन्वेंट्री निकाल रहा हूँ तो ऊपर वाले एसेट्स कम हो गए, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर जो करंट रेशियो अच्छा हो रहा था उसके अच्छे होने की वजह इन्वेंट्री थी, क्योंकि वो जमा तो हुए जा रही है पर बिक नहीं रही। तो दिस विल लीड टू अ रिस्क, एक मसला है ना उसके अंदर कि वो बिक नहीं रही, जमा हो रही है, तो वो डिस्टॉर्टेड पोजीशन थी। अगर क्विकली देखना चाहते हो कितना कैश आ सकता है तो वो इन्वेंट्री को हटा के देखो। अच्छा अगर ये भी इम्प्रूव हो रहा होता ना क्विक रेशियो भी, तो मैं कहता हूँ कि भाई मामला सही है, तो वो इन्वेंट्री जमा तो हो रही है पर वो बिक भी रही है, पर इस केस में जमा हो रही है बट बिक नहीं रही। अब क्लियर है, जल्दी बता दें। मैं अगेन वापस से वो प्रैक्टिस सेशन शेयर कर देता हूँ ग्रुप पर, मैं हर एक दो दिन में कर ही रहा हूँ, वापस कर देता हूँ, उसी के नीचे ड्राइव लिंक है। चलें जी यहाँ पे क्लैरिटी है, आओ इसको एक और तरीके से लिंक करना सिखाऊँ ताकि पूरी साइकिल जवाब में फिक्स हो जाए। ओके फिर इसके बाद मैंने आपको ये सिखाया था इन्हीं रेशियोज के अंदर, अगर हम नंबरिंग वाइज देख लें ये 9 हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, याद है कुछ कैश ऑपरेटिंग साइकिल जिसमें आप डेज निकाल रहे हैं, सही है ना। अच्छा फोकस होकर सुनिएगा ये वाली कहानी, डेटर डेज निकालने का एक फॉर्मूला है, ऐसा ही है, मैं इसको याद यूँ रखता हूँ, कभी भूलूँ नहीं इसलिए जिंदगी में याद उसको यूँ रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई डेटर डेज है ना, तो मैं कहता हूँ इसमें पीएनएल आइटम नीचे रखना, तो सेल्स हो गई और ये आ गए एवरेज रिसीवेबल, ये आ गए। तो आप ये कह रहे हैं इस वाले फॉर्मूले के अंदर कि आपकी जो सेल्स है वो आपके रिसीवेबल में कितनी फंसी हुई है, यानी आपने जितनी भी सेल्स की पूरे साल उसमें से रिसीवेबल कितने फंसे हैं, ऐसा ही है। तो हमने कहा पूरे साल में कितने दिन है, तो ये आपके पास एक आ जाएगा डेज, कि इतने दिनों में पूरे साल की सेल्स के पैसे आपके पास आ जाते हैं, क्लैरिटी है, इसको हम कहते हैं डेटर डेज। अच्छा इसको कंपेयर करने का तरीका आप इसको इंडस्ट्री से देख सकते हैं, पिछले साल से देख सकते हैं। एक बच्चा मुझे कहता था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मैंने कहा भाई की लगा दो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है मतलब, या तो ये वर्टिकल एनालिसिस होंगे जीपी रेशियो वगैरह के, या तो हॉरिजॉन्टल होंगे, हॉरिजॉन्टल दूसरी कंपनी से भी हो सकता है और अपनी कंपनी के पिछले साल से हो सकता है, यही है ना। अब वो नीचे बच्चा देख रहा था कि भाई सर वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की कॉमेंट्री देते, मैं फिर दिमाग वहाँ खराब हो गया, कहाँ से आए हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की कॉमेंट्री क्या होती है भाई, समझो देखो रटे क्या लगाना, मतलब मैं आपको पकड़ के चला दूँ आज किसी राह पे और मैं बोलूँ भाई ये याद करके पेपर पास कर ले, चलो हो भी गया पास, तो जिंदगी में दलील होते रहोगे, समझ ही नहीं आएगी चीज़।
भाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ नहीं होता, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि भाई इसको पिछले से कंपेयर करना, इसको किसी और से कंपेयर करना, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या है, आप अपनी कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस, और ये भी हो सकता है अपनी कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस को इस साल पिछले साल को अपनी कंपनी के, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल साथ चलता है भाई, दिमाग में लेके बैठे हॉरिजॉन्टल नहीं करना तो वर्टिकल भूल जाओगे, वर्टिकल करना है तो हॉरिजॉन्टल भूल जाओगे। तो भाई सिंपल पूरी पिक्चर दिमाग में रखो, खुद ही कॉमेंट्री आई है ये आगे खैर ये हो गए डेटा डेज। इसके बाद आते थे हमारे इन्वेंट्री, टर्नओवर डेज। अच्छा हमारा फोकस उनको सुनना ही है, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज का यूजुअली जो फॉर्मूला है, हम कहते हैं कि भाई हम इन्वेंट्री रखते हैं ऊपर एवरेज इन्वेंट्री इंडू। अच्छा हम पता है इसमें क्या क्या है, समझ क्या है, हम ये कह रहे हैं कि पूरे साल जितनी इन्वेंट्री बिकी है उसमें से इतनी बढ़ेगी, तो ये बताओ कितने दिनों में बिक जाती है, 365 दिनों में। ये याद करने का तरीका है कि पूरे साल इन्वेंट्री जो बिकी, ऊपर कहते हैं पूरे साल जो सेल हुई, यह क्या कह रहे हैं पूरे साल जो इन्वेंट्री बिकी, ऊपर क्या कह रहे हैं साल साल ऊपर क्या कह रहे हैं सेल हुई, यहाँ क्या कह रहे हैं जो जितनी भी हमारी इन्वेंट्री बिकी COGS उसका कितना पोर्शन पड़ा हुआ है, तो पूरे साल में देख लूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि इतना फीसद माल दिन लगते हैं मुझे अपनी इन्वेंट्री को बेचने में, तो ये एक आंसर आ जाएगा आपके पास। अच्छा अब यहाँ पे मजे की बात निकलेगी, सुनना यहाँ पे बेहतरीन समझ आएगी चीज फोकस के साथ। मैं कहूँ कि अगर डेज की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000, ईयर कौन से लिखे थे मैंने पीछे 23 और 24 ना, 24 आ गया 23 आ गया। मैं थोड़ा सा और इसको ट्रिकी बना रहा हूँ, ये समझ आ गई ना बात तो गेम ऑन हो जाएगी, मतलब मजा आ जाएगा, सुनना इधर। मैंने कहा लास्ट ईयर के डेज थे, लास्ट ईयर के डेज थे हमारे पास कोई कुल मिला के 25 दिन, इस साल कितने आ रहे हैं 65 डेज। वापस समझे, लास्ट ईयर के रिसीवर डेज कितने बच्चों 25, यानी 25 दिनों में पैसे रिकवर होते हैं, इस साल के कितने 65। अच्छा अब इसका ज़रा क्रक्स समझना है ताकि रट्टा नहीं लगाओ, इसका मतलब ये है कि आपके पैसे फंस चुके हैं, यानी कुछ रिसीवेबल्स ऐसे, क्योंकि सेल्स तो साल की होती है ना, चलो उसको यूं भी समझाता हूँ तुम्हें, अगर ये बात समझ जाकर अगेन दिस इज बी द वेरी क्रिटिकल थिंग कि आपको मजा आ जाएगा ये समझ के। सुनो मैं कह रहा हूँ सेल तो फॉर द ईयर होती है ना, रिसीवेबल तो एज एट के होते हैं, हाँ या नहीं? तो मैं कह रहा हूँ रिसीवेबल एज एट में जमा हुए जा रहे हैं, और कुछ रिसीवेबल ऐसे हैं जो कि रिकवर, तभी मेरे डेटर डेज क्या हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको भी मैं चाहूँगा तो पीछे से लिंक करके दे सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्विक रेशियो है ना, क्विक रेशियो के अंदर रिसीवेबल भी तो है, क्योंकि तुमने माइनस तो नहीं किया था, और करंट रेशियो के अंदर भी रिसीवेबल है, फिर तो ये कहानी समझ आ रही है। देखो करंट एसेट्स है ना, तुमने इन्वेंट्री को तो हटा दिया, उसका रिस्क खत्म हो गया, तुम्हें पता लग गया कि फंड है, मसला है, पर पहला मसला इन्वेंट्री की वजह से था, अब मसला किसकी वजह से आ रहा है, रिसीवेबल की वजह से आ रहा है। तो पता है क्विक और करंट रेशियो जब देखो ना, अगर आपको डेज निकालने का तरीका दिया हो तो पहले डेज निकाल के चेक कर लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं रिसीवेबल बच गया। तो आप तो कह रहे हो कि करंट रेशियो इज वेरी गुड, बट द थिंग इज दैट आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं किया हुआ, जैसे ही आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट किया ना आपके रिसीवेबल क्या हो जाएंगे, तो रेशियो तो वैसे ही बिगड़ जाएगा, तो वो करंट भी बिगड़ेगा क्विक भी, तो करंट क्विक दोनों क्यों बिगड़ेंगे, करंट में भी रिसीवेबल है क्विक में भी रिसीवेबल है, पहले तो कहानी समझ आ रही है। तो दिस इज हाउ यू लिंक थिंग्स, मैं आप बोलूँ भाई रेशियो ये याद कर ले निकल जा, समझ आ रही है। तो रेदर देन वेस्टिंग टाइम ऑन अदर थिंग्स हम लॉजिकली बात कर लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए पूरा रेशियो, रिवीजन सेशन का पर्पज ये, ऑनलाइन मैंने जल्दी बताओ बात क्लियर है, इसमें कोई सवाल लॉजिकली बात समझ आई है, पक्की बात है। अच्छा अभी ये देखो हमने कहा इसके अंदर, अच्छा अगर आपने ऊपर वहाँ पे क्विक रेशियो निकाला तो आप मुझे बताएं 2024 और 2023 यहाँ पे भी डेज इंक्रीज होने चाहिए इन्वेंट्री के, इन्वेंट्री के डेज इंक्रीज होने चाहिए, कैसे क्यों? अच्छा क्योंकि देखो यहाँ पे तो वाजे तौर पे है ना कि आपका क्विक रेशियो कम हो रहा है, क्विक रेशियो क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन्वेंट्री डेज गिरे हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा
हो ही नहीं सकता इन्वेंट्री डेज के जाए। रीजन है यही, आपको देशों को बता देंगे इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, तभी तो ये देशों को देशों क्या होता जा रहा है। तो जितनी इन्वेंट्री जमा हो रही है तो उतने डेज भी क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। पहले तो बात समझ आ रही है, पक्की बात है, पहले मैं जल्दी बताओ बात समझ आ रही है। तो हमने कहा 15 दिन और हमने कहा अब ये आ गया 24 दिन पे, तो 15 से 24 पे आ गया। अच्छा एक बात बताओ, इन्वेंट्री का पंगा तो है, पर अगर वैसे तुम क्या कहते हैं क्विक रेशियो वर्स होता जा रहा है, क्विक रेशियो, अच्छा क्विक रेशियो के वर्स होने की वजह क्या थी? अब रिसीवेबल भी, अब अच्छा अब आप एक बात बताएं, क्विक रेशियो तो आपको वर्स होता हुआ दिख रहा है, पर उस वर्सिंग कंडीशन में रिसीवेबल उसको फिर भी बचा रहा है। उसको वापस रिपीट करता हूं, आपका क्विक रेशियो नीचे आ रहा है, पर क्विक रेशियो नीचे किस वजह से आ रहा है? इन्वेंट्री। पर मैं कह रहा हूं उसमें रिसीवेबल का भी भंड है, उसमें रिसीवेबल का भी मसला है, और वो तुम्हें कैसे पता लग रहा है? क्विक रेशियो को देख के, डेज को देख के। वेरी गुड, तो आपने ये लिखना होगा सवाल के अंदर कि इट सीम्स दैट क्विक रेशियो इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री, बट हाउएवर इफ वी सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेटर डेज, डेटर डेज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम रिसीवेबल्स माइट नॉट बी रिकवरेबल, व्हिच विल अल्टीमेटली लीड टू रिडक्शन इन क्विक रेशियो फर्दर। यानी अगर मैं रिसीवेबल्स को सही कर लूं और उस पर प्रोविजन बुक कर लूं तो क्या रिसीवेबल उतना ही रहेगा? कम हो जाएगा, तो करंट एसेट्स कम हो जाएंगे। जैसे करंट एसेट्स कम होंगे तो आपका क्विक रेशियो कम हो जाएगा। तो ये वहां से लिंक करना है वहां पर, और इन्वेंट्री का तो वैसे ही इंपैक्ट में ले चुका हूं, तो इन्वेंट्री का तो वहां पर मसला मुझे पता था और दिखता भी है। तो क्या हम ये बात कंक्लूड करें आज की क्लास में कि जब मैं क्विक रेशियो को देख रहा हूँ ना, तो अगर मुझे डेज निकालने का तरीका दिया हुआ है सवाल में, तो मैं डेज निकाल के कंफर्म कर दूंगा। व्हाट इफ ये डेज कम हो रहे होते रिसीवेबल के, डेटर डेज क्या हो रहे होते? कम हो रहे होते, तो आपको पता है क्या लगता है? ये करंट एसेट्स में सिर्फ कैश है, नहीं ये बात समझ। देखो करंट एसेट्स में सब होता है ना, कैश भी होता है, बैंक बैलेंस भी होता है, रिसीवेबल्स भी होते हैं, इन्वेंट्री भी होती है। आपने इन्वेंट्री को हटा दिया, आपको समझ आ गई इन्वेंट्री पाइलअप हो रही थी, एक मसला साइड हो गया। मैंने कहा आपने डेटर डेज निकाल के देखे, और डेटर डेज निकाल के आपको ये इंकशाफ हुआ उसके अंदर कि डेटर डेज भी कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है रिकवरी टाइम पे हो रही है। तो मसला सिर्फ किसकी वजह से पता हुआ था? इन्वेंट्री। मसला किसकी वजह से था? इन्वेंट्री की वजह से था। तो मतलब फिर आपको मजीद कुछ करने की नीयत नहीं है। बट ये वाला क्यों किया मैंने इसमें? क्योंकि इसमें डेटर डेज क्या हो रहे थे? तो हम ये कह रहे थे कि जब आपके डेटर डेज इंक्रीज हो रहे थे तो क्विक रेशियो आपका फिर भी डिक्रीज हो रहा है, तो वो मजीद क्विक रेशियो को डिक्रीज होने से बचा रहा है। जबकि अगर मैं अपने रिसीवेबल को सही कर लूं तो क्विक रेशियो ज्यादा हो जाएगा और कम हो जाएगा? और कम हो जाएगा। रीजन है क्योंकि उस पर अभी तक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बुक नहीं हुआ, पर ये एविडेंट कहां से हुआ? रिसीवेबल डेज से। क्लैरिटी है? अच्छा फिर आप लोग एक और चीज निकालते हैं जी, नहीं इन्वेंट्री और रिसीवेबल का नहीं बता सकते ना, क्योंकि क्विक रेशियो से आपको जो चीज समझ आएगी ना वो सिर्फ इसकी आएगी, इन्वेंट्री की आएगी। अगर आपको रिसीवेबल्स के बारे में बताना है ना या कुछ कमेंट्री करनी है, उसके लिए डेज निकालना लाजमी है। करंट रेशियो क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आपकी लायबिलिटीज ज्यादा होंगी। मतलब एग्जाम्पल बनाओ तो हाइपोथेटिकल सारी चीजें देखो ना, चलो सब क्विक रेशियो कम हो रहा है या करंट रेशियो कम हो रहा है, तो करंट रेशियो कम होने का मकसद ये होगा ना कि लायबिलिटीज क्या हो रही होंगी और आपके पास इतने एसेट्स नहीं होंगे। जी नहीं, क्विक रेशियो आपका इंक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। नहीं क्विक रेशियो अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपका रीजन क्या लिखना चाहते हो? रिसीवेबल के वो ज्यादा नहीं, उल्टा बोल रहे हो, उल्टा बोल रहे हो। क्विक रेशियो डिक्रीज होने का मतलब मकसद ये नहीं है कि रिसीवेबल ज्यादा हो जाए, रिसीवेबल जितने ज्यादा होंगे उतना क्विक रेशियो अच्छा होगा, उल्टा क्या है ना। देखो करंट एसेट्स में अगर रिसीवेबल को रहने दूं तो क्विक रेशियो तो अच्छा होगा ना, क्विक रेशियो के कम होने की वजह इन्वेंट्री होती है। सही है? आप तो मजीद मैंने एक चीज सिखा दी तुम लोगों को आज की क्लास में कि अगर आप ये भी लिख सकते हो कि
क्विक रेशियो अपेरेंटली डिक्रीज हो रहा है, बट इफ यू सी फ्रॉम द डेटर डेज हैव बीन इंक्रीज, तो इट इज लाइकली दैट सम प्रोविजन माइट नॉट हैव बीन अकाउंटेड फॉर। हो सकता है कि कुछ प्रोविजन बुक, अगर वो हो जाएगा तो आप देखेंगे ये क्विक रेशियो क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, ये वजह है। रिसीवेबल के डेज और बढ़ हैं, तो उसमें रिसीवेबल के डेज के बढ़ने का मतलब तो ये है ना कि कुछ लोग हैं जो पैसे नहीं दे रहे, तो बैड डेट्स का रिस्क है, सही है ना। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज तक क्लियर है? इन्वेंट्री टर्नओवर डेज के बाद आप मुझे बता दें पेएबल डेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? एवरेज पेमेंट डिवाइडेड बाय परचेजेस, यूजुअली परचेजेस, और यू कैन यूज सीओजीएस, सही है, परचेजेस होगी तो आपने करनी है यूज। अच्छा ये आ गया 365, ये आपको ये बताता है कि आपने पूरे साल में जो परचेजेस किए हैं उसका कितना बैलेंस पेबल में मौजूद होता है पे करने के बाद, तो डेज मिल जाएंगे। तो मैंने कहा ये डेज आ गए भाई। अच्छा आप मुझे बताना जल्दी से, वो कह रहा है कि भाई पहले आप जो है 12 दिनों में पैसे पे करते थे, अब 10 दिनों में करते हैं। नहीं आप ये देखिए ना, एक सुनो, 65, 24 और 10, यानी आप एक बात समझें, आप इन्वेंट्री कितने दिनों में बेचते हैं? 24 दिनों में। फोकस होकर तुम लोगों ने बताना है इन्वेंट्री कितने दिनों में बेचते हो भाई? 24 दिनों में। अच्छा 24 दिनों का पैसा कब आ रहा है? अच्छा आपका पैसा कितने दिन फंसा रहा? 89 डेज। ओके 89 डेज फंसा रहा, सही। अच्छा 89 डेज का आपको पैसा मिलेगा, पर मुसीबत ये है कि आपको उसको कितने दिनों में देना है? 10 दिनों में। तो क्या हम, अब देखो लॉजिक से लॉजिक कनेक्ट करेंगे, क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें से अगर ये माइनस कर दूँ तो ये हो गया 79 डेज। 79 डेज, क्या मैं कह सकता हूँ 79 डेज के लिए मुझे फाइनेंसिंग लेनी होगी? yes. सही है, वो भी रनिंग फाइनेंस, ऐसा ही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में तुम जब जाओगे ना ऑडिट करने तो देखेगा कि भाई बहुत सारी कंपनी रनिंग फाइनेंस लेके बैठी होती है। उसकी वजह ये होती है कि सप्लायर को पैसे जल्दी देने होते हैं, तो मैं बैंक से ले लेता हूँ, मैं बैंक को कहता हूँ वहाँ से आएंगे तो मैं दे दूंगा, तो ऐसे वर्किंग कैपिटल मैनेज होता है। क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेज होता है कि जो बिजनेस के एक्सपेंडिचर होते हैं वो ऐसे मैनेज हो रहे होते हैं। पर इसकी मुसीबत है कि इंटरेस्ट आएगा, ऐसा है, इसके ऊपर क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। तो मुझे जल्दी से बताओ, अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट चाहिए तो मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कम हो जाएगा तो मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये कहानी से कहानी मिलती है, क्या आप बोलेंगे भाई इसकी वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर एक्विटी निकालोगे वो भी क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट रेशियो भी कम हो जाएगा। ये सारी वजूहत है, क्लियर है? पक्की बात है। अच्छा जी ओके, ये कहानी तो यहाँ तक तय हो गई कि हमने कहा भाई ये हिसाब किताब है। तो डेज को मैंने आपको लिंक कर दिया कि भाई ये कैश ऑपरेटिंग साइकिल पॉजिटिव है, तो क्या ये अच्छी चीज है? नेगेटिव होना अच्छी चीज है, ऐसा ही है ना, कि आपको पैसे मिल जाते हैं जल्दी आप देते बाद में, क्योंकि आपको मिल जाते हैं जल्दी वो सप्लायर बोलता है बाद में। अच्छा इसके मैं पूछूं आपके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आप ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे आपकी मोनोपोली नहीं है, सप्लायर की मोनोपोली है और उसके पास मल्टीपल कस्टमर्स अवेलेबल हैं, तो आपको कटा के किसी और को भी माल बेच सकता है, तो वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये सारी वजूहत होती हैं इसकी जब आप ऑपरेटिंग साइकिल को मैनेज कर रहे होते हैं। समझ आ रही है बात? चलिए जी गुड। अब इसमें ऐसी बात है, जब इतना कर लिया मालिक तो एक और चीज़ कर लेते हैं, है ना, डेज वाला, ये टाइम्स वाला, बिल्कुल सही कह रही है। चलिए जी हमने कहा डेज वाला हो गया, उसको किस में देखते हैं? टाइम्स में। फॉर्मूला बताते हैं भाई, डेटर के अंदर, लेट्स सी कि आपको याद है या नहीं याद, डेटर के अंदर आप टाइम्स में निकालना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा? वेरी गुड, पीएनएल आइटम ऊपर और रिसीवेबल नीचे, बस
पक्की बात है, गुड। अच्छा भाई ये आ जाएगा टाइम्स के अंदर। अच्छा मैं तुम्हें एग्जांपल बनाने के लिए कनेक्ट भी करके दूंगा, तो इधर फोकस होकर देखना ताकि ये क्लोज हो जाए। यहाँ पे हमने कहा है कि 2024 है, ये 2023 है, सही है। अब फोकस होकर इधर मेरी बात समझे, सेल्स ओवर रिसीवेबल हो गया। मैंने कहा अगर मैं पिछली मरतबा का देखूँ और पिछली मरतबा के देर देखने से पहले पहले उसकी लॉजिक समझने, टाइम्स का मतलब ये होता है जो क्लैरिटी से मैं समझाना चाहता हूँ कि आपकी जितनी भी सेल्स है वो कितनी मरतबा रिकवर हो जाती है और पैसे इतने बन जाते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ ताकि लॉजिकली बात समझें, फिर से सुनना वापस से, सही है। मैंने कहा ये टाइम्स वाला रेशियो डेटर टाइम्स, इसको हम कहते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो, वो डेटर डेज है ना, ये हम टर्नओवर में बताएं टाइम्स में निकाल लें, सही है। डेटर टाइम्स, तो डेटर टाइम्स का मतलब ये है कि भाई आप जो पूरे साल सेल करते हैं उसमें कितनी मरतबा आपका पैसा आपको रिसीव, वो कितनी मरतबा रिसीव हो जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कितनी मरतबा रिसीव हो जाता है, यहाँ पर क्लैरिटी ये बात कहना चाह रहा हूँ मैं। अब आगे सुनिएगा, मैं जब कह रहा हूँ कितनी मरतबा रिसीव हो जाता है तो यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कितने टाइम्स पूरे साल की सेल रिकवर, क्या कहेंगे भाई, हो जाती है। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है। हमारे डेज क्या हुए थे, इंक्रीज हुए थे ना, ये अच्छी पिक्चर थी बुरी पिक्चर थी, वेरी गुड। अब ये देखिएगा, बड़ा बेहतरीन सिखाता हूँ यहाँ पे मैं आपको। हमने कहा यहाँ पे टाइम आ रहा था 6 टाइम्स, यहाँ पे क्या आ रहा है 6 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स। मैं तो ये सर कम हो गया ना, पिछले साल 6 मरतबा पैसे रिसीव होते थे, इस बार कितनी मरतबा और? अच्छी पिक्चर है बुरी, बुरी पिक्चर। देखो ये दोनों आपस में कंसाइड होनी चाहिए ना, मैच होनी चाहिए कहानियाँ। देखो इसको यूं समझो, डेज में समझोगे तो पैसे डिलेड मिल रहे भाई, अगर पूरे साल में 25-25 दिनों में पैसे मिलेंगे तो ज्यादा मरतबा मिलेंगे, तो ये अच्छी बात है, यस। अच्छा इस साल 65 दिनों में मिल रहे हैं तो जितनी मरतबा मिल रहे थे वो टाइम से हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है, ये टाइम्स। कहानी क्लियर है? तो आप टाइम्स को व्यक्ति भी अंदाजा लगा सकते हैं, वो खुदा के वास्ते विजन क्लियर रखना कि सोचना क्या है। मुझे पता था ना आप एक आवा बिगड़ा हुआ रेशो में, बच्चे देख रहे हो टकाटक लगे हुए नीचे लेटे हुए, रीड कर रहे हैं रेशो, लेट के उसकी गोद में सुना रहा उसको दोस्त को, अरे भाई याद क्यों कर रहा है, समझ ले। याद करने का क्या है, समझने का है, समझ लो कहानी हो जाएगी। पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर है, गुड हो गया। तो यानी 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 अब आप मुझे बताएंगे पिछले साल कितनी मरतबा सेल के पैसे आते थे? 6 मरतबा। इस बार 3। अच्छी चीज है, देखने को लगे वाह भाई वाह 3 बार आए पैसे, भैया 3 बार नहीं ये 50 बार हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जितनी सेल करूंगा पैसे आएंगे, सेल करूंगा पैसे आएंगे, तो जितना टाइम से ऊपर जाएगा उतनी अच्छी बात है। तो आप इसको अपने एग्जाम में ये भी कर सकते हैं कि अगर इसको आपने मल्टीप्लाई करके निकालना हो ना, तो आप इस रेशियो को इन्वर्स करके मल्टीप्लाई कर 365 भी कर सकते हैं। तो ये तो मेरी हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, इसलिए वो उससे मैच नहीं करेगा, पर वरना एग्जैक्ट मैच करेगा। क्लियर है? पक्की बात है, ऑनलाइन में जल्दी बताओ यहाँ तक कोई इशू? ये वाले मामला मुझे सही करने थे तुम्हारे दिमाग में, टाइम्स वाले जल्दी बताओ। ओके इन्वेंट्री टाइम्स देख लेते हैं, क्या कहते हो भाई तुम लोग मुझे बताना, इन्वेंट्री टाइम्स क्या बताता है, कितनी मरतबा इन्वेंट्री रिप्लेस हो जाती है? ऐसा ही है ना भाई, कितनी मरतबा इन्वेंट्री रिप्लेस हो जाती है, यही है ना। जब मैं खरीद के लाता हूँ बिक जाती है, खरीद के लाता हूँ बिक जाती है, तो जितनी मरतबा बिकेगी उतनी मरतबा रिप्लेस होगी। दो तरीके से देख सकते हो ना कितने टाइम बिक जाती है, पहले क्या कह रहे थे कितने दिनों में बिक जाती है, अब क्या कह रहे हैं कितने टाइम्स बिक जाती है, कितने टाइम्स बिक जाती है का मतलब है कितनी मरतबा रिप्लेस हो जाती है। और एक चीज सोचो, जितनी मरतबा रिप्लेस होगी उतनी जल्दी बिक रही है, जितनी मरतबा रिप्लेस होगी यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब ये मुंडी जो इलाज है ना,
जितनी मरतबा रिप्लेस होगी उतना अच्छा, बिकॉज जल्दी बिक रही है। नहीं, हमने कहा बिकॉज जल्दी बिक रही है, सही है। अच्छा भाई, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही बोले। अच्छा भाई, आप इन्वेंट्री कहाँ रखेंगे, नीचे, और COGS ऊपर। चले ये बताएं, हमने कहा पहले मेरी इन्वेंट्री जो रिप्लेस हुआ करती थी, जितने टाइम्स बिकती थी वो था 8 times, सही जी। अब मेरी इन्वेंट्री 4 times बिक रही है, वही बात है। क्यों, तो सही है ना, बिक तो रही है ना। तो सर मतलब जो आप पहले 8 मरतबा बेच लिया करते थे, अब वो इन्वेंट्री स्लो मूविंग हो रही है, तो बिकने में टाइम ले रही है, तो बिकने में टाइम ले रही है, तो उसके टाइम्स क्या हो गए, कम हो गए, तो एनआरवी का रिस्क आ गया, मसला आ गया। तो दिस इज व्हाट इज इट अबाउट रेशियो, सही है, इम्पैक्ट भी है। तो अब इसका हल ये है कि मैंने आपको पूरा रेशियो तो रिवाइज करा दिया, पहले बताओ क्लियर हो गया, गुड। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आपने इम्पैक्ट लिखना है कि इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट किस किस पे क्या क्या आएगा। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ, अगली क्लास में आओ तो ये सॉल्व करेंगे।